दोस्तों आईपीएल 2020 शुरू होने से पहले जो मिनी ऑक्शन होने वाला है वो आप जल्दी देखने को मिलेगा। और दोस्तों अभी तक 971 खिलाड़ियों ने इस नीलामी में अपना नाम दिए हैं और जिनमें से 713 भारतीय खिलाड़ी है और बाकी 298 विदेशी खिलाड़ी है। और विदेशी खिलाड़ियों में इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका से सबसे ज्यादा खिलाड़ी अपना नाम दिए है। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में 16 ऐसे खिलाड़ियों के नाम बताने वाला हूँ जो इस नीलामी के लिए अपना बेस प्राइस सबसे ज्यादा रखे है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी आईपीएल का फैन है और इसी तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों नीलामी में काफी सारे खिलाड़ी हिस्सा लेने वाला है जिनमें 215 बड़े खिलाड़ियों के नाम है और दोस्तों 16 खिलाड़ियों ने अपना बेस प्राइस काफी हाई रखा है, जिनमें 9 खिलाड़ियों ने 1.5 करोड़ और बाकी 7 खिलाड़ियों ने 2 करोड़ तक रखे हैं। तो दोस्तों सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी इस लिस्ट में है जो कि है कोलकाता के टीम से रिलीज हुए रॉबिन उत्थपा और उन्होंने अपना बेस प्राइस 1.5 करोड़ रखे है। तो दोस्तों रॉबिन उत्थपा का बोली बेस प्राइस से काफी ऊपर तक जाने वाला है। नेक्स्ट इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के तरफ से 2 खिलाड़ी है जो कि है सॉन मार्स और केन रिचर्डसन। दोस्तों दोनों ने ही अपना बेस प्राइस 1.5 करोड़ रखा है और उनके लिए भी काफी सारा टीम जाने वाला है। अब दोस्तों इंग्लैंड के तरफ से 4 खिलाड़ी है जो अपना बेस प्राइस 1.5 करोड़ रखे है। तो लिस्ट में पहले है ओएन मर्गन, क्रिस ओक्स, जेसन रॉय और डेविड विली। दोस्तों हम सभी जानते हैं ये 4 खिलाड़ी है जो काफी महंगा बिकने वाला है क्योंकि बहुत सारे टीम उनके पीछे जाने वाला है। आखिर में दोस्तों साउथ अफ्रीका के तरफ से 2 खिलाड़ी इस लिस्ट में है जो कि है क्रिस मॉरिस और केल अबॉट। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका के तरफ से सिर्फ 2 ही खिलाड़ी है जिन्होंने अपना बेस प्राइस 1.5 करोड़ रखे है। तो दोस्तों ये थे वो 9 खिलाड़ी जिन्होंने 1.5 करोड़ अपना बेस प्राइस रखे है। इनमें कुछ खिलाड़ी तो काफी महंगा बिकने वाले है और कुछ खिलाड़ी बेस प्राइस के आसपास ही रहेंगे और नहीं भी बिक सकते हैं। अब आते हैं 2 करोड़ के लिस्ट पे। तो दोस्तों 7 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रखे हैं। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के तरफ से ही 5 खिलाड़ी हैं जो कि है क्रिस लिन, पैट कमिंस, जॉस हेजलवुड, मिचेल मार्श और ग्लेन मैक्सवेल। तो दोस्तों क्रिस लिन के बेस प्राइस और हाल ही में उनका परफॉर्मेंस देख के आप लोगों को पता चल ही गया कि उनका बोली कितना दूर तक जाने वाला है। और बाकी खिलाड़ियों के बारे में बात करें तो उनके लिए भी बोली 2 से 5 करोड़ तक जाने वाला है। लिस्ट में और 2 नाम है जो कि है साउथ अफ्रीका के डेल स्टेन और श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज। दोस्तों डेल स्टेन को आरसीबी ने इस साल छोड़ चुका है और डेल स्टेन उतने अच्छे फॉर्म में भी नहीं है तो 2 करोड़ उनके लिए थोड़ा ज्यादा लग रहा है। और बात करें एंजेलो मैथ्यूज के बारे में तो दोस्तों एंजेलो मैथ्यूज भी आईपीएल में उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे पाए तो 2 करोड़ बेस प्राइस भी उनके लिए बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों ये थे 7 खिलाड़ी जिन्होंने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रखा है। मेरे को लगता है लिस्ट में क्रिस लिन, ग्लेन मैक्सवेल और पैट कमिंस थोड़ा लंबा जाने वाला है। और दोस्तों बेस प्राइस सेट कर देना मतलब कोई भी टीम उस खिलाड़ी को उतने प्राइस के कम में नहीं खरीद पाएंगे। मतलब मान लीजिए किसी टीम को नीलामी में डेल स्टेन चाहिए पर 2 करोड़ में नहीं तो डेल स्टेन उस साल के नीलामी में अनसोल्ड रह जाएंगे। तो दोस्तों ये था 16 खिलाड़ियों के नाम जिन्होंने इस साल का नीलामी में बेस प्राइस सबसे ज्यादा सेट करके रखे है। तो देखते हैं नीलामी में उन लोगों का प्राइस कितना दूर तक जाते हैं और आप नीचे कमेंट करके बताइए इनमें से कौन से खिलाड़ी कितना बोली तक जाने वाला है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक मार दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।